everyone, let's start our Korean makeup. First of all, hi, how are you guys? सबसे पहले मैंने अपनी स्किन अच्छे से प्रेप कर ली है. तो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा कोरियन ग्लास स्किन हैक, जो कि आप मेकअप कैसे ऐसे करें कि आपकी जो स्किन है वो ग्लास स्किन लगे. सो सबसे पहले मैंने एम्ब्रोलिसिस लिया है, आप ले सकते हो कोई भी मॉइस्चराइज़र. एंड फिर मैंने यूज़ किया है प्राइमर, इसके अंदर हमने ऐड कर लेना है, ठीक है. फिर हम उसके अंदर ऐड करेंगे कोई भी हाइलाइटर, आप लिक्विड हाइलाइटर भी ले सकते हैं, अगर नहीं है देन आप पाउडर्ड हाइलाइटर भी ले सकते हैं. एंड फिर हम उसके अंदर ऐड करेंगे कोई भी फाउंडेशन जो आपके एग्जैक्ट शेड का हो, एंड उसे हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे फॉर द टिंट, ठीक है. एंड फिर इसको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस के ऊपर लगाएंगे. लिटरली द फिनिश वाज वेरी वेरी फ्लॉलेस एंड अमेजिंग. एंड आपने पहले थोड़ा सा अप्लाई करना है, फिर ब्लेंड करना है, थोड़ा सा अप्लाई करना है, फिर ब्लेंड करना है, ऐसे करना है ताकि जितनी ज़रूरत हो आप उतना ही लगाएं एंड आपकी जो स्किन है वो आपको स्किन लगे ना कि मेकअप. एंड यू गाइस कैन सी द फिनिश, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बिल्कुल ग्लास स्किन लग रही थी जैसे कोरियंस की होती है, ठीक है. सो ये वाला हैक बेस्ट रहा मेरे लिए आज. एंड अब हम ट्राई करते हैं वायरल कोरियन क्यूट ब्लश हैक, ठीक है. तो मैं लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ. सो इसमें क्या होता है कि हमने अपनी यू नो चीक्स के ऊपर, दोनों चीक्स के ऊपर लगाना होता है ब्लश, चिन के ऊपर, नोज़ के ऊपर एंड आईज़ के कॉर्नर्स पे. एंड इसको हमने अच्छे से कर लेना है ब्लेंड. अब देखते हैं ये वाला कैसा लगेगा लुक. सो गाइस, मेरा जो पर्सनल फेवरेट एक चीज़ है वो ये है कि मैं अपने ना ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे अप्लाई करके फिर अच्छे से ब्लेंड करती हूँ अपने बेस को, ताकि और ज़्यादा यू नो स्किन लाइक फिनिश लगे एंड साथ में ड्यूई लगे, ताकि वो लाइक ऐसा ना लगे कि मैंने मेकअप किया हुआ, बिकॉज इससे बहुत अच्छे से आपका जो मेकअप है वो यू नो ब्लेंड हो जाता है. सो हम अब ट्राई करेंगे कोरियन आई मेकअप. इसमें मेरे ज़्यादा एफर्ट्स लगे सच में बताऊँ तो, बिकॉज वैसे तो मेरी आईज यू नो थोड़ी छोटी हैं लाइक कोरियंस, बट शेप वैसी नहीं है. तो सबसे पहले तो मैंने आई शेडो लिया, तो मैंने सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे ही अप्लाई किया. एंड आउटर कॉर्नर के साथ साथ जो लोअर लैश लाइन होती है ना, उसके ऊपर भी मैंने इसे ब्लेंड किया सिर्फ आउटर में, क्योंकि ऐसे यू नो मैंने देखा था कि ऐसे हो लाइक करते हैं कोरियंस, क्योंकि पहले मैंने एक ट्यूटोरियल देखा था आई मेकअप. सो उसके बाद मैंने ये NYB के मेरे पास थोड़े लिक्विड शिमर्स थे, उसे मैंने अप्लाई किया, ठीक है. एंड उसके बाद मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और अप्लाई किया, बट फिर भी मुझे कम लग रहा था, बिकॉज इस उस मेकअप में क्या होता है, थोड़े थोड़े अगर पार्टिकल्स दिखते हो ना लाइक शिमरी एंड यू नो ग्लिटरी, हमें बहुत ज़्यादा ग्लिटर नहीं चाहिए, बट बहुत थिन ग्लिटर चाहिए था. तो मेरे पास था गोल्डन, यू गाइस कैन सी, तो मैंने उसे अप्लाई कर लिया, ठीक है. एंड अब बारी आती है लोअर लैश लाइन की. तो उनके ना एक यहाँ पे फोल्ड होता है, अगर नहीं होता देन वो बना लेते, तो मैंने वो लाइक फोल्ड बनाया ताकि मेरी जो आईज़ है और ज़्यादा कोरियंस की तरह लगे, ठीक है. एंड फिर मैंने जो वाइट काजल है उसके साथ मैंने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट किया, एंड मैंने वाटर लाइन के ऊपर भी काजल ही लगाया वाइट, ओके. सो अब बारी आती है, ये बहुत जो है ब्यूटीफुल लग रहा था, ये जो मैंने यू नो साइड पे ये मैंने देखा था. सो मैंने ऐसे ही ट्यूटोरियल जैसे था वैसे मैंने लगाया, एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था. इससे पता क्या होता है कि हमारी जो आईज़ होती है वो बड़ी लगती हैं, क्योंकि जो हमारी लैश लाइन है उसके थोड़ा सा नीचे मैंने ये ब्लैक या फिर आप डार्क ब्राउन कह सकते हो, ये मैंने लगाया था आई शेडो विद वेरी थिन ब्रश. अब हम लगाएंगे आईलाइनर. तो आईलाइनर बहुत ईजी होता है, वो मोस्टली छोटू सा विंग लगाते हैं अपने यू नो आउटर कॉर्नर्स पे, एंड लिटरली बहुत ज़्यादा मुझे पसंद भी ऐसा ही लाइनर, क्योंकि मोस्टली मैं ऐसे ही लगाती हूँ, अगर यू नो डे टू डे लाइफ में भी लगाना हो. तो हमारा जो आई मेकअप है वो कम्प्लीट हो गया, तो थोड़ा सा ब्लश कम लग रहा था, तो मैंने यू नो ब्लश लगाया, पाउडर ब्लश, एंड फिर उसके बाद मैंने लगाया हाइलाइटर. सो आज का जो कोरियन मेकअप है बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ना, मुझे भी पता है, क्योंकि ये बहुत ईजीली हो गया. एंड इवन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आई नो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो कोरियन मेकअप में जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, बट हाँ हाइलाइटर हमने अप्लाई करना है. अब मैं ट्राई कर रही हूँ कोरियन लिप्स. तो ये बहुत इजी वाला मैंने हैक ट्राई किया. पहले तो हमने लिप बाम लगा लेनी है अपने लिप्स के ऊपर, ठीक है.
लाइक ये पिंक कलर में, ऑलरेडी पिंक कलर में थी तो वैसे हमारे लिप्स जो है वो पिंक लग रहे थे, बट हमें थोड़ा और पिंक चाहिए तो मैंने पता क्या किया, ये आप देख सकते हो ना साइड में आई शेडो पिंक कलर की हल्की सी हमने सिर्फ एक बार फिंगर के ऊपर लगानी है डैब डैब मोशन में। आप देख सकते हो लिप्स का जो कलर कितना ज़्यादा प्रिटी पिंक हो गया। अब मैंने रेड लिपस्टिक ली है एंड उस रेड लिपस्टिक को हमने अप्लाई कर लेना है हमने इनर ऑफ अवर लिप्स, ठीक है, जो हमारा इनर एरिया होता है ना लिप्स का, ठीक है, तो वहाँ पे हमने अप्लाई करके हल्का हल्का स्मज कर लेना है। फिर उसके बाद मैंने लिप ग्लॉस अप्लाई कर ली थी एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। मुझे नहीं पता मैं कोरियन लग रही हूँ कि नहीं, मैंने ट्राई पूरा किया बट आप मुझे बताना लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, बट क्योर तो लग रही हूँ ना वो बता दो कमेंट सेक्शन में कि लग रही हूँ कि नहीं। सो या आई होप कि आज का जो ये लुक है अच्छा लगा होगा, आप भी ट्राई कर सकते हो बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। सो बाय बाय, तो मैंने कोरियन में ये लिखा है बाय, समझ मुझे भी नहीं आई। होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो गाइस, अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल बाय बाय, लव यू ऑल।